गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी में प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। उसका सीरीज़ का हम थर्ड वीडियो आज देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सिल्क कॉटन वुल पूछा गया है। कॉटन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑन हेयर्स ऑफ सीड्स ऑफ गॉसिपियम हर्बेशियम, फैमिली मालवासी है इसकी। सिल्क में फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स ऑफ बॉम्बेक्स मोरी, फैमिली बॉम्बेडियासी, और वूल्स ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीज हेयर्स ऑफ शीप्स ओविज अराइज, फैमिली बोविडी इसकी फैमिली है। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक्स आर द सब्सटेंस विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू। ठीक है ना, मैंने इसके पहले भी आपको बताया, एंटीसेप्टिक्स जो रहते हैं लिविंग टिश्यू पे काम करते हैं, और लिविंग टिश्यू पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको क्लीन करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल टर्मरिक है, किल करने का काम करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स आर द सब्सटेंस विच किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रूम एंड इक्विपमेंट्स, फ्लोर वगैरह पे जो रहता है, जैसे कि फिनाइल हो गया, ये फ्लोर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशंस। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ करक्यूमा और नीम बोला गया है। सिनोनिम ऑफ करक्यूमा इज टर्मरिक हल्दी और इंडियन सेफ्रॉन है, और सिनोनिम ऑफ नीम इज कड़ू नीम, नीम ये सब उसके सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट भी पूछे जाते हैं, जैसे करक्यूमा में करक्यूमिनॉइड्स रहते हैं, करक्यूमिन रहते हैं, और कलरिंग पिगमेंट्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं करक्यूमा हल्दी में, और नीम्स में निम्बोस्टिरॉल, मार्गोसिन, अजादिरेचिटिन ये उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू स्पेसिस ऑफ करक्यूमा लोंगा और करक्यूमा, करक्यूमा के दो स्पेसिस मेनली है, करक्यूमा लोंगा और करक्यूमा डोमेस्टिका। विच ड्रग इज द एग्जाम्पल ऑफ विटामिन सी, तो आमला इज द क्रूड ड्रग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विच ड्रग हैज़ पेरीविंकल एज अ सिनोनिम, तो इसमें पेरीविंकल, सदाफुली, ये जो है विंका, ये सभी विंका के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आप लोग उसको उसके नाम से बोल सकते हैं, कैथारंथस भी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट, कॉपी पेन अपने हाथ में रखिए तो इजी होगा। सिनोनिम ऑफ पुनर्नवा गोखरू एंड रॉल्फिया बोला गया है। पुनर्नवा को हॉगवीड या रक्त पुनर्नवा कहते हैं ना, गोखरू जो है उसको पंक्चर वाइन कहते हैं। सिनोनिम ऑफ रॉल्फिया सर्पगंधा, छोटा चांस, स्नेक रूट कहते हैं उसको, तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नाउ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस ऑफ धतूरा, अश्वगंधा एंड एकोनाइड बोला गया है। बायोलॉजिकल सोर्स धतूरा में सिनोनिम याद रखेंगे, सबसे पहले धोतरा, थॉर्न एप्पल, अश्वगंधा का असगंध, इंडियन जिनसेंग भी बोलते हैं उसको, एकोनाइट में बचनाग, मौनखूड, ये उसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, उसका बायोलॉजिकल सोर्स का पोर्शन आएगा, तो पहले धतूरा का देख लेते हैं। उसमें स्कोपोलामाइन रहते हैं और हायोसिन रहते हैं, हायोसामिन, एट्रोपिन ये भी रहता है उसमें। अश्वगंधा में क्या रहता है, अश्वगंधा में आपको याद रखना है कि उसमें विदाफेरिन और विदानोलॉइड्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मैं स्पेशल वाले जो है ना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वही आप लोगों को बता रही हूँ। नाउ एकोनाइट्स में क्या प्रेजेंट रहता है, तो एकोनाइट में एकोनिटिन, नेपालिन, नियोनेपालिन ये सब प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, यूजेज में धतूरा, ये पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट है, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड कफ, एंटी स्पास्मोडिक है, डिप्रेसेंट है ऑफ CNS, ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड ड्यूओडेनल अल्सर, यूज इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिसेस, आइस के जो भी रहती है एलर्जी वगैरह उसमें, एलर्जी कंडीशन वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ एकेंथियासी फैमिली, इसमें याद रखना है आपको वसा का, ये एकेंथियासी फैमिली का ड्रग है, और वैलेरिया करके एक ड्रग है वज्रदंती, ठीक है, वो भी इसका ही एकेंथियासी फैमिली का ड्रग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो शॉर्ट में ही है ये, पर वाइवा के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक अगला वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें वाइवा में डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया है, आप ज़रूर से देखें। ठीक है, थैंक यू।